नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम शिक्षक दिवस के अवसर पर संतु नगर स्थित मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर पर पहुँचे हैं और मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कोचिंग संस्थान के रूप में स्थापित है। इससे पहले भी इस संस्थान के संदर्भ में हम आपको एक वीडियो दिखा चुके हैं। आज शिक्षक दिवस है तो निश्चित रूप से शिक्षक दिवस के अवसर पर सुबोध सर को धन्यवाद तो देना ही चाहेंगे। ये बच्चों की जो हुजूम है और बच्चों का जो आत्मविश्वास है, डेडिकेशन जो आपकी है बच्चों के प्रति पढ़ाने की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सर शिक्षक दिवस को आप सभी को और जो यहाँ पर जो भी हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं उन सभी को और मधुबनी सभी नगरवासियों को मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर के तरफ से शिक्षक दिवस का हार्दिक और हार्दिक शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी, जैसा पिछले जो वीडियो बनाए थे जिसमें आपके संस्थान के बच्चे टॉप किए थे जिला स्तरीय मैट्रिक परीक्षा में जो परिणाम आया था, तो क्या उसी तरह से इस संस्थान को सींचने का काम करते हैं और बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं? हाँ सर, हमेशा प्रयास रहेगा कि हम हर एक साल अपने मेहनत के बदौलत और अपने बच्चे के मेहनत के बदौलत हम अच्छा से अच्छा रिजल्ट लावे और यहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को और गरीब फैमिली से जो बिलोंग करता है उसको अच्छा एजुकेशन देने का हम काम करेंगे सर। ये डेडिकेशन मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर के संचालक, डायरेक्टर जो भी कह लें, सुबोध सर ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मधुबनी में देने का काम किए हैं और बच्चों को शिक्षित करने का काम किए हैं। मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आकर अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा के बिना आप वंचित न रहे, इसलिए सुबोध सर ने जो ठाना है मार्गदर्शन के माध्यम से वो मधुबनी में अब परचम लहराने का जो परिणाम है वो आपको सामने में दिख जाएगा कि आप देखें इधर छात्राएं हैं और इधर बच्चे हैं जो इस संस्थान में पढ़ने के लिए आते हैं और इस संस्थान के प्रति अपनी जो उनका निष्ठा है वो देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। इस संस्थान में जो पढ़ने आती है तो यहाँ का माहौल है वो किस प्रकार का है, जो शिक्षा देने में और आपको समझाने में मार्गदर्शन सेंटर किस प्रकार से आपको मोटिवेट कर पाते हैं? अच्छे से, बहुत अच्छे से सर, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। क्या नाम है? निधि कुमार। क्या कहना चाहेंगे मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर के संदर्भ में जो यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? यहाँ पे बहुत ही अच्छा से होता है पढ़ा और जितना भी है सब होता है, अच्छा से वो पढ़ाए जाते हैं सर, अच्छा समझाते हैं। जो पढ़ाई या कहें कि जो आपको गाइड की जाती है संस्थान के जो टीचर्स हैं वो समझाते हैं, वो कितना आप समझ पाती हैं? मैं वो पूरा समझ पाती हूँ जो सर पढ़ाते हैं, जो चीज़ पढ़ाते हैं वो पूरा समझती हूँ मैं, अच्छी तरह से समझती हूँ। ये मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है और साथ में इस संस्थान के जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं इस संस्थान के माध्यम से अच्छी शिक्षा लेकर अच्छी जगह पर पहुंच रहे हैं और उनका नामांकन भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भी हो रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं मनोज जी और मनोज जी से हम बात करेंगे कि ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से बच्चों को सींचने का काम करती है। मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर मधुबनी में जो संतु नगर में स्थापित है, मैं विगत 2009 से मधुबनी में रहकर पठन पाठन कर रहा हूँ और इस कोचिंग माध्यम का हमेशा अवलोकन करता रहा हूँ। इस कोचिंग ने हमेशा माध्यमिक परीक्षा 10th की परीक्षा में हमेशा सर्वोच्च स्थान प्राप्त की है और यह करती आ रही है सतत प्रयास। हमेशा सभी वर्ष मैं देख रहा हूँ कि पिछले ही विगत वर्ष में देखा गया कि भूषण कुमार का लड़का पूरे माध्यमिक परीक्षा में 6th स्थान लाने का प्राप्त किए और डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं। मधुबनी जिला में हमको लगता है कि सर्वोच्च स्थान इसी कोचिंग स्थान को दिया जाना चाहिए। ये वीडियो किस प्रकार लगा, साथ में मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर के प्रति आपकी क्या राय है, निश्चित रूप से कमेंट करके हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।